मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग प्रेरणाज लाइफ। तो आज है सैटरडे। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, बिकॉज कभी कभार ना लाइफ में आपका मूड अच्छा नहीं होता, मूड कह लो या यू नो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। मे बी सब रिलेट करते होंगे मेरे साथ। आपको समझ नहीं आता है कि आप कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें चीज़ों को। तो बस मेरा भी मूड वही चल रहा था। आई डोंट नो क्यों, सब कुछ अच्छा है, भगवान की दया है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस आज मैंने सोचा कि छोड़ो ये सब बातें, लाइफ है, चलती रहती है। इससे बेटर है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। देखिए कितना सुंदर व्यू है ना। तो बस आज का शेड्यूल ये है कि हाँ, गुड न्यूज़। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ बता दूँ अभी, थोड़ा टाइम रुकते हैं और थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, इस गुड न्यूज़ के ही रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं, आप रिलेट कर पाओगे। तो बस चलते हैं, अभी जाऊंगी मंदिर, फिर मंदिर जाके आपसे मिलती हूँ या मंदिर में भी शूट थोड़ा कर लूँगी। ठीक है, बाय। भाभी के घर पहुंच गई हूँ, अभी खाएंगे ब्रेकफास्ट। अभी कर लिए रिया फोन, बात करके। हेलो, अभी ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ पोहा। भाभी ने बनाया है पोहा और ढेर सारे कपड़े दिए हैं देने के लिए सबको। सबको टाइट टाइट हो गया, सबका वेट ओवर हो जा रहा है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, सब है। तो ये रही जिया, आए करो बेबी। कमल भाभी बैठे हैं बट नहीं दिखा सकते। बस मैं घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पे बच्चे मुझे दूर से बोल रहे हैं, आंटी आप वीडियो बनाते हो ना, आंटी आप वीडियो बनाते हो। चलो हाय करो सब लोग। हेलो, से हेलो सब लोग, सब्सक्राइब कर लो। हाँ वीडियो बना रही हूँ, आप लोग आओगे टीवी पे? ठीक है, आ जाओ। पहली बार देखा है, ठीक है, चलो बाय बाय। फिर बोलोगे कहाँ जा रही है? तो अभी मैं जा रही हूँ शादी का हॉल देखने, देखने भी बुक करने भी, जैसे समझ में आया। शादी, किसकी शादी? जी हाँ, घर में शादी है। जल्दी बताऊँगी क्या क्या प्रिपरेशन होने वाली है, कैसे सब चीज़ें होने वाली हैं। शादी किसकी है वो भी बताऊँगी जल्दी। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं सबके साथ हॉल देखने के लिए, हॉल इन सेंस शादी जिसमें होगी, मैरिज हॉल वहाँ। तो बस चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। अभी वॉकिंग कर रही हूँ, रिया भाभी और कमल भी आ रहे हैं कार में, तो बस अभी हम मिलेंगे, साथ में जाएंगे फिर। तो चलो अब भी चलिए। कार में बैठ गई हूँ, यहाँ है कमल भैया, हेलो, यहाँ है रिया भाभी, हेलो। तो बस अभी जा रहे हैं शादी का हॉल बुक करने, नहीं देखने, फिलहाल अगर बुक हो जाएगा तो भी बताऊंगी, और फिलहाल तो हम
निधि रिया पुना भी आज की व्लॉगिंग करने वाली है रिया। रिया क्या बोलने वाली थी आप? वो मेरी नकल कर रही थी पहले कि अभी सब मस्ती मजाक चालू है, अभी हम आ गए हैं हॉल वगैरह सब देख के मस्ती मजाक चालू है कि व्लॉगिंग में मैं क्या बोलने वाली हूँ, तो मुझे बता रही थी मैंने आप ही कर लो व्लॉगिंग। तो बस अभी काफी हमने हॉल देख लिए हैं, यहाँ पे बहुत शोर है, प्लीज इग्नोर करिएगा थोड़ा, बहुत बातचीत यहाँ पे चालू है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अपडेट ये था कि हम हॉल देख के आ गए हैं और अभी तक बुक नहीं किया है, एक दो दिन लेंगे, सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सही देखिए सबका यहाँ पे मस्ती चालू है। तो बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। बस अभी जा रहे हैं हैप्पी होम और यहाँ पे सब बच्चों की मस्ती चालू है और बहुत ही हेक्टिक रहा पूरा दिन, मस्ती मस्ती घूमना। ये देखिए सब बच्चे वहाँ, देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे। चलो ऑल द बेस्ट बोल दो दानिश को, सब लोग थैंक यू, सब लोग ऑल द बेस्ट करना कमेंट में, बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। वाला हेक्टिक बट काफी चीजें सॉर्ट की, जो मैरिज हॉल वगैरह था वो भी पसंद आ गए हैं। बस अभी मंडे तक ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा सब कि कौन सा फाइनली हम लोग यू नो हॉल मैरिज हॉल करने वाले हैं। तो शादी किसकी, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो आप सबको जैसे पता है हमारी बेटी की शादी है, जी हाँ, निधि खन्ना वेड्स मनीष। तो बस आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, शादी की डेट जल्दी मैं रिवील करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बस हमने चीज़ों को यू नो प्रिपेयर करना चालू कर दिया है। तो बस आप लोगों की सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमारी बेटी को, हमारे दामाद को, हम सबको बहुत ज़्यादा वाली ब्लेसिंग्स चाहिए। बेटियों की शादी एक माँ बाप का बड़ा अरमान होता है, आई थिंक सब माँ बाप का बहुत एक बड़ा अरमान होता है। और हम तीनों जो देरानियाँ जेठानियाँ, हम सब छोटे छोटे हैं। पहले क्या होता था, मम्मी होते थे, हमारी मम्मी होती थी, हमारे इन-लॉज होते थे, तो हमें कभी पता ही नहीं चला कि यू नो ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट जब अब निधि की शादी की जो हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसमें हमें आज पता चल रहा है कि बड़े हमारे घर के लिए कितने ज़रूरी हैं। सिर्फ काम नहीं होता है, उनका होना ही एक बड़ी ब्लेसिंग होती है हमारे घरों के लिए, क्योंकि जहाँ वो होते हैं ना, वहाँ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज हम 100 चक्कर काट रहे हैं, 100 चक्कर यहाँ काट रहे हैं, 100 चक्कर वहाँ काट रहे हैं, बट पीस नहीं है। और वो उन्हें मतलब जैसे मैंने अपने सास को देखा है, मेरी मदर इन लॉ जो थे, वो चीज़ों को ऐसे हैंडल करते थे जैसे कुछ है ही नहीं, बस ऐसे यूं ही हो जाता था सब। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं इस टाइम पे उन्हें, बहुत ज़्यादा। वो होते तो उनसे ज़्यादा तो खुश हो ही नहीं सकता था कोई निधि की शादी पे, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बढ़िया, हमारी चीज़ हाथ में है नहीं, तो बस उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ बस निधि की शादी की तैयारियां शुरू करें। और इस जर्नी में मैं आप सबको अपने साथ रखूंगी, आपके प्यार की, दुलार की, ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो बस प्रे करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और जल्द ही हम सब आपको निधि की शादी की तैयारियों में ज्वाइन करेंगे। सो ऐसी मोड पे मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू, बाय बाय।